इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सर्वे की नई गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा और कोरोना से बचाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय प्रयास जमीनी स्तर पर करेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि MY दीन इस बारे में कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग भी देंगे। इसमें अभी आज टीम्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें माननीय कमिश्नर साहब संभाग आयुक्त इसको पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आज ट्रेनिंग रखी है। डीन मैडम उसको ट्रेन करेंगे टीम्स को। अभी कुछ गाइडलाइंस इसमें आना अभी बची हैं, जो NCDC ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर डिजीज कंट्रोल, कि कितना सैंपल सर्वे रहेगा, किस प्रकार से शहर की पॉपुलेशन में किस प्रकार से हम लोगों को सैंपल्स कहाँ कहाँ से कितनी कितनी संख्या में लेने हैं, इसके पैरामीटर्स अभी बन के आ रहे हैं, गाइडलाइंस बन के आ रही हैं अभी। तो उसके अंदर बाकी किट्स वगैरह आ चुकी हैं, किट्स तैयार हैं, टीम्स भी ऑलमोस्ट हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। जैसे ही ये कुछ गाइडलाइंस जो हम लोगों को एक सैंपल किस प्रकार से एरियाज चयन करने हैं और किस प्रकार से वहाँ संख्या उठानी है, जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम लोग इसको शुरू कर देंगे। हम लोग तरह से तैयारी पूरी करके, कमिश्नर साहब इसमें तैयारी पूरी करा रहे हैं और उसको पूरी तैयारी हो जाएगी और जैसी गाइडलाइंस आती हैं शुरू कर देंगे उसको। एरिया चूजिंग को लेकर कुछ अब उसमें थोड़ा गाइडलाइंस NCTC के आ जाएँ, ताकि किस प्रकार से एरिया की सैम्पलिंग कैसे करनी हो, संख्या कितनी उठानी है, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। तो वो गाइडलाइंस क्या बना के देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, उसके हिसाब से करेंगे उसको।